हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर को 99 से जल्द मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको 9 से मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूं। अब देखिए, ये जो 99 और 9, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक्स का पार्ट 10 है। अगर पार्ट 1 to 9 आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर एक आई बटन मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए, मल्टीप्लाई करना है 54 का 99 से। अब देखिए, अगर आपने मेरा 9 से मल्टीप्लाई वाला वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप वहां उसको वीडियो को देखिए। इससे पहले अपने इसको करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब देखिए, 54 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम यहाँ पर लगाते एक जीरो और माइनस कर देते यहाँ पर सिमिलर 54। माइनस करने पर जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आंसर बताइए। तो लेकिन 99 और 9 में डिफरेंस क्या आएगा, देखिए 99 और 9 में डिफरेंस ये आएगा, 9 में तो हमने लगाया 10, 99 में हम लगाएंगे 20। 20 लगाने के बाद सिमिलर वही स्टेप माइनस करेंगे 54। माइनस करने पर आपका आंसर आ गया 5346, ये आपका आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 62 मल्टीप्लाई बाय 99। 62 को 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली लगाएंगे 20, माइनस करेंगे 62। माइनस करने पर आपका आंसर आया 6138। एक एग्जांपल और लेते हैं, 79। देखिए, 79 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके मुंह से आवाज आनी स्टार्ट होगी होगी, सर 20 लगाइए, लगा दिए 20। उसके बाद माइनस करेंगे, सेम नंबर माइनस किया और माइनस करने पर आपका आंसर आया 7821। एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लें, 112। अब देखिए, इसकी मैं एक और ट्रिक करवा चुका हूँ आपको, बेस मेथड वाली। देखिए ये क्या है, 100 से ज्यादा है, ये 100 से कम है, ये कितना कम है, ये -1 है और ये कितना ज्यादा है, +12 है। तो देखिए उसको क्या मेथड था, उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक है। लेकिन वो हर नंबर के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 99 के लिए यूज आएगी। क्या करेंगे, 99 है तो 112 के आगे लगाएंगे 20, माइनस करेंगे 112, आपका आंसर आएगा 11088, ये आपका आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 132। 132 है, क्या करेंगे, लगाएंगे 20। 20 लगाने के बाद सेम नंबर कर दिया हमने माइनस, माइनस करने पर आपका आंसर आ गया 13068। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 176। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या करेंगे, आवाज आ रही है, लगाएंगे 20, माइनस करेंगे सेम नंबर, आंसर आएगा 17424। अब देखिए, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आपको टाइम काफी लगेगा, 99 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप 99 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, आपका जो आंसर है इस ट्रिक से जल्दी आएगा। तो एक क्वेश्चन हो लेते हैं, 268। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, क्या करेंगे, लगाएंगे 20, माइनस करेंगे सेम नंबर, आंसर आ गया 26532, है ना आसान। अब देखिए, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 2894। अब देखिए, इसको अगर 99 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो 3 मिनट से ऊपर आराम से लगने वाले हैं, लेकिन इस ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, लगाएंगे 20, 20 लगाने के बाद करेंगे सेम नंबर माइनस, माइनस करने पर देखिए आपका आंसर आया 286506। अब देखिए, आपको अगर मेरे वीडियो से सीखने को मिल रहा है, थोड़ा कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सिखाइए कि ऐसी ट्रिक से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर वीडियोस के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।